हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है 24 अप्रैल और सुबह के बज रहे होंगे 9 साढ़े 9। मैंने इनके लिए टिफ़िन में सुबह बना के दे दिया था उपमा, और थोड़ा सा बच गया था उसमें से भी, तो वो हम लोग खा लेते थे। बट माही को चाहिए था डोसा बना के, तो इसी वजह से यहाँ पर बन रहा है उसके लिए डोसा, क्योंकि उसे डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। डोसे का बैटर पड़ा था फ्रिज में, तो इसी वजह से मैंने उसके लिए ये डोसा बना के दे दिया था। तो क्या हुआ था कि डोसे का बैटर बहुत सारा बचा था, तो हम लोगों ने ना वो जो उपमा था बचा हुआ वो खाया ही नहीं। वो थोड़ा सा अद्विक ने खाया, बट हम दोनों ने भी डोसा ही खाया फिर। तो यहाँ पर डोसा हम दोनों के लिए बन रहा है। पहले माही के लिए बना के दे दिया था मैंने, माही खा ही रही थी, तो उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया था ये। आज शाम के और अभी भी मैं रेडी हुई हूँ, तो फ्रेश हो जाती हूँ शाम को। आप सभी को पता है हम लोग सभी लोग नहा लेते हैं शाम को, थोड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। तो इसी तरह से होता है शाम का रूटीन। और डिनर बनाना है, क्योंकि ये ना गया है आटा लाने, क्योंकि आटा खत्म हो गया था घर पे। मेरे घर पे पता ही नहीं चला मुझे आटा कब खत्म हो गया, क्योंकि पिछले बार डीमार्ट गए थे, आप सभी को पता है। उस टाइम मैंने थोड़ा सा ही राशन लाया था, थोड़ा सा ही जो खाने पीने का सामान है लाया था। मुझे पता नहीं था ये लॉकडाउन हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने ना थोड़ा सा ही सामान लाया था, क्योंकि पिछले महीने का बहुत सारा था, इसी वजह से मैंने कम लाया था इस बार। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया ना, तब से तो मतलब इनको भी टाइम नहीं मिला, ये इतना ज्यादा बिजी हो गए ड्यूटी में कि इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिला डीमार्ट जाने के लिए। और डीमार्ट ना 12 बजे तक ही ओपन रहता है, तो इस वजह से ना क्या हो रहा है कि हम लोग डीमार्ट नहीं जा पा रहे। जो भी सामान ला रहे हैं ये बाहर से ही लेके आ रहे हैं, जब ड्यूटी जा रहा है उस टाइम लेके जा रहा है ड्यूटी पे, और वहां पर रख रहे हैं, फिर उसके बाद लेके आ रहा है वो। ऐसे हमारा चल रहा है, मतलब जो भी खाने पीने का सामान है वैसे ही लेके आ रहा है। बट आटा वाटा खत्म हो गया था, सुबह ही मैंने ये वाला जो कंटेनर है आटे का वॉश करके रखा था। पता था कि आटा खत्म हो गया है, मतलब ये नहीं पता था कि इसमें का आटा खत्म हो गया था। मैंने सोचा चलो दोपहर को मैं डाल दूंगी आटा, रिफिल कर दूंगी, इसलिए वो वाला कंटेनर वॉश करके रखा था। सोचा कि आटा होगा ही स्टोर रूम में, जब देखा अभी तो आटा बिल्कुल नहीं है स्टोर रूम में। तो फिर इनको बोला कि आटा लेके आओ, तो बोले कि अभी कहाँ से लाओ। तो ये शॉप है, यहाँ पे छोटी सी शॉप है, तो ये वहां पर गया है अभी लाने के लिए। देखेंगे आटा अगर लेके आते हैं तो रोटियां बनाऊंगी, अगर अगर मिला नहीं आटा तो डिनर में थोड़ा सोचना ही पड़ेगा क्या बनाए। अभी ये आ जाएंगे तब डिनर का सोचेंगे, बट डीमार्ट तो जाना हो ही नहीं रहा है इनकी ड्यूटी की वजह से। आप सभी को पता है, मैंने आप सभी को बताया था कि ये सुबह जाते हैं तो 3 बजे वगैरह आ जाते हैं। और हाँ, किसी ने मुझे बोला है कि आपके हस्बैंड पुलिस होके भी ड्यूटी नहीं करते क्या, घर पे ही रहते क्या? तो डियर, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं 7 बजे और दोपहर तक आ जाते हैं, मतलब उनकी ड्यूटी ऐसी है कि दोपहर तक रहती है उनकी ड्यूटी 3 बजे तक, तो 3 बजे के बाद वो घर पे ही रहते हैं। तो आप लोगों को जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को वो घर पे दिखते हैं, तो इसी वजह से आप लोगों को लगता होगा वो घर पे रहते हैं, बट वैसा नहीं है। पुलिस वालों की ड्यूटी इतनी टफ है आजकल कि उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, और उनकी ड्यूटी तो 2 गुना बढ़ गई है। अभी सुबह 7 बजे से जाते हैं तो दोपहर में 3 बजे ही वो घर पे लौटते हैं। आप न्यू ज्वाइन हुए होंगे मुझसे, इसी वजह से आपको नहीं पता होगा, बट अभी मैं बता रही हूँ आपको। और चलिए फिर काम में लग जाती हूँ, बच्चों को कुछ बना के देती हूँ और बाद में मिलती हूँ आपसे।
लेती हूँ। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि ये ब्लू वाली बॉटल में क्या पीती हूँ, तो मैं इसमें प्रोटीन पीती हूँ। डियर, किसको पता है, किसी को नहीं पता है, तो आज बता रही हूँ। और हाँ, किसी ने ये भी पूछा था कि प्रोटीन कौन सा पीती हो, तो वो मैं पीती हूँ वे प्रोटीन। ये वाला वे प्रोटीन पीती हूँ क्योंकि ये मैंने अपने जिम से लिया था, इसी वजह से ये वाला ही लेती हूँ। हर्बल वाला भी अच्छा होता है, एक्चुअली मैंने सुना है हर्बल वाला मुझे ट्राई करना है, बट ये जिम से लिया था तो यही चल रहा है अभी। मतलब बहुत दिनों से मैं ले रही हूँ जिम से ही, तो वही लेती हूँ। हाँ, प्रोटीन ना वर्कआउट के बाद लिया जाता है, मतलब सुबह करो आप वर्कआउट या शाम को करो, वर्कआउट के बाद प्रोटीन लिया जाता है, तो वही मैं शाम को पीती हूँ। और आपको दिखता है तो बहुत लोगों को नहीं पता था, इस वजह से आपको बता दिया मैंने। गए थे लेने के लिए बट वहाँ पर आटा ही नहीं है बोल रहे, तो इसी वजह से ही वापस आ गए। तो अभी पुलाव पुलाव ही बनाना है ना, तो बोल रहे अभी पुलाव ही बना दो, तो वही बनाती हूँ आज। तो मतलब वो हो गया, चलो सोने पे सुहागा हो गया, चलो मेरा टेंशन खत्म हो गया। कुछ बनाना ही पड़ता ना सब्जी में या वो, ये ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। एक दिन श्रीकांत के साथ जाऊंगी और डीमार्ट से सारा सामान लेके आऊंगी, क्योंकि इनको तो छुट्टी मिल नहीं रही है। जिस दिन श्रीकांत को छुट्टी रहेगी उस दिन हम लोग जाएंगे डीमार्ट और सारा सामान लेके आएंगे। डीमार्ट भी 12 बजे तक ही ओपन रहता है, तो इनका तो हो ही नहीं सकता 12 बजे तक, तो इसी वजह से ये तो इनको तो संडे के दिन भी छुट्टी नहीं मिल रही है आजकल। संडे के दिन भी नहीं, मतलब जब से लॉकडाउन ये कोरोना का स्टार्ट हो गया ना, तब से तो बिल्कुल छुट्टी मिल ही नहीं रही है। और हाँ, टेंशन यार इतना ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि कोरोना के पेशेंट ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं आजकल। मतलब अमरावती में बिल्कुल कोरोना के पेशेंट नहीं थे पहले एक पता चला, एक निकल गया है, फिर दूसरा, फिर 4 लोगों की अभी डेथ भी हो गई है यहाँ पे अमरावती में। इसी वजह से ना थोड़ा सा और ज्यादा टेंशन बढ़ गया है। बाहर से कुछ चीजें लाने के बाद ना बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ रहा है। डेली अलग अलग न्यूज सुनाई दे रही है, डेली अलग अलग कुछ ना कुछ कोई बता रहा है, तो इस वजह से टेंशन ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पता नहीं अब ये कब खत्म होगा यार। चलो माही ना डोसा बना रही है, मैं आपको दिखा उसको सिर्फ मैंने बताया कि बैटर ऐसे डालना है ये वो, तो यहाँ पर देखिए इसका डोसा रेडी है। टेढ़ा मेढ़ा बनाया लेकिन ठीक है, बनाया तो सही। बोल रही थी कि लास्ट का डोसा मैं बनाती हूँ, तो देखो अच्छा बनाया। फर्स्ट टाइम बनाया है, अच्छा बनाया, लेकिन आप ट्राई तो कर दियो कम से कम। Oh, you.
बन रहा है और पुलाव बनाते बनाते ना मुझे एक क्वेश्चन याद आया, मतलब किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मतलब ये जो घर है मेरा कौन सी दिशा की तरफ है। मेरा जो घर है डियर वो पूरब मुखी घर है, मतलब पूरब की तरफ उसका मुंह है घर का, मतलब मेन डोर जो है हम लोग घर से निकलते हैं तो पूरब की तरफ उसका मुंह है। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। पुलाव बन जाए उसके बाद डिनर कर लेते हैं और फिर गाइस डिनर हो गया है और अब लेने का टाइम आ गया है नाम। तो सबसे पहला नाम है शबनम और सेकंड नाम है सविता। सोनोने ने उनके बच्चों का नाम लेने के लिए बोला है तो उनके बच्चों का नाम है अक्षत एंड सक्षम। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। और हाँ, जिन जिनका नाम इस ब्लॉग में मैं ले नहीं पाई हूँ तो इस ब्लॉग पे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैंने इस ब्लॉग में उनका नाम लेने की जरूर कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।